हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ में। हमने अपने पिछले वीडियो में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास टेंथ स्टूडेंट्स के लिए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा था जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो उस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 28 तक क्वेश्चन और आंसर दोनों ही देखे थे। 29 से 50 तक के क्वेश्चंस को मैंने दिया था, आप लोग को आंसर नहीं दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम आंसर्स को भी जानेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज मेजर डिफरेंस बिटवीन आईएम एंड ईमेल्स। तो इसका आंसर जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आईएम और ईमेल्स में क्या क्या डिफरेंसेज हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि राइट 5 की फ्यूचर्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग। तो इसका भी आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग के 5 की फ्यूचर्स क्या क्या हैं। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 31 था कि स्टेट एनी 5 रूल्स एंड इटिक्वेट्स टू बी फॉलोड वाइल चैटिंग ऑन द इंटरनेट। तो इसके भी आंसर्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 नंबर है, एक्सप्लेन द पर्पोज ऑफ ब्लॉग। तो इसका भी आंसर मैंने अब यहाँ पे लिख लिया है। इससे पहले मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था बट आंसर नहीं था, तो इस वीडियो में क्वेश्चन और आंसर आप दोनों ही यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 था कि व्हाट इज ई कॉमर्स, ई कॉमर्स क्या है। तो इसका भी आंसर यहाँ पे है। आगे क्वेश्चन नंबर 34 था कि एक्सप्लेन द पर्पोज ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो इसके भी आंसर्स को आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 था कि व्हाट आर क्लिप आर्ट्स, लिस्ट एनी 2 वेबसाइट्स दैट ऑफर क्लिप फ्री क्लिप आर्ट। तो इसका भी आंसर आप यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, डिफरेंशिएट बिटवीन एनिमेशन एंड ट्रांजिशन इन डिजिटल प्रेजेंटेशन। तो एनिमेशन और ट्रांजिशन में क्या क्या डिफरेंशिएट है करना था, तो यहाँ पे आप जो है इसके आंसर्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 37 है, राइट डाउन द प्रोसेस फॉर इंसर्टिंग पेज ब्रेक। प्रोसेस लिखना है इंसर्टिंग पेज ब्रेक के लिए। तो इसका स्टेप्स जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके आंसर्स को। नेक्स्ट आगे है जो कि शॉर्ट नोट्स हम लोग को लिखना था, अपर केस, सेंटेंस केज और स्ट्राइक थ्रू में। तो इसका भी आंसर्स जो है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इससे पहले मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले भी बोला हुआ है कि क्वेश्चंस को मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन पे आप लिंक पे देख सकते हैं, मैं वहाँ पे आप लोग को लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन था कि स्लाइड ट्रांजिशन से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पे देख ले। क्वेश्चन नंबर आगे 40 था, राइट डाउन द प्रोसेस फॉर ट्रांसफरिंग डेटा ऑन द इंटरनेट। तो इसका भी आंसर आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो वेब सर्वर, डायलअप और वाईफाई में शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो यहाँ पे जो है सारे में मैंने यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिखा हुआ है, वाईफाई के लिए डायलअप है और यहाँ पे वेब सर्वर है। आगे क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट इज एन आईएसपी, आईएसपी क्या है, व्हाट इज रोल ऑफ एन आईएसपी और गिव द नेम ऑफ 2 आईएसपी। तो इसका यहाँ पे देख सकते हैं कि आईएसपी क्या है, इसका यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसका रोल क्या है, यहाँ पे मैंने रोल भी लिखा हुआ है और 2 आईएसपी के नाम भी लिखने थे। तो यहाँ पे बीएसएनएल और जियो मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स में लिखा हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 43 था, हाउ इज डेटा ट्रांसफर्ड ओवर इंटरनेट। तो इसको डिस्क्राइब करना था, तो इसके आंसर्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 था, व्हाट डू यू मीन बाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, गिव एग्जाम्पल। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहेंगे, इसके एग्जाम्पल भी लिखने थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर लिखा गया, इसके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 45 था जो कि जैस्मिन लॉस्ट हर बुक था, तो हाउ सी कैन डिस्क्राइब द बुक विच वाज लॉस्ट। अगर उसका किताब खो गया है तो वो किस तरह से डिस्क्राइब करेगी अपना किताब जो है खोया हुआ है उसके लिए। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स लिखने थे, तो यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन नंबर 46, ए फ्रेंड ऑफ योर्स हैज डन ए फेवर फॉर यू, नाउ हाउ वुड यू एक्सप्रेस योर एप्रिसिएशन फॉर योर फ्रेंड। तो इसका भी आंसर यहाँ पे जो है मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, राइट डाउन द नेसेसरी स्टेप्स टू ऐड अ फुटर टू योर डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे भी इसका आंसर आप देख सकते हैं, इसका आंसर जो है यहाँ पे भी है, इसका आंसर यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 48 था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई वर्ड रैपिंग। वर्ड रैपिंग से आप क्या समझते हैं, लिस्ट एनी 2 वर्ड रैपिंग ऑप्शंस अवेलेबल इन अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो इसका भी आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 था, हाउ कैन यू इंसर्ट अ मूवी क्लिप इन द प्रेजेंटेशन यूजिंग इंसर्ट एंड लेआउट ऑप्शन। तो इसका भी आंसर जो है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक लास्ट क्वेश्चन था, इसके भी आंसर्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन था कि हाउ मेनी वेज
यू कैन इंसर्ट अ टेबल इन द प्रेजेंटेशन मेंशन देम, तो इसका भी आंसर आप यहाँ पे देख ले। तो इस तरह से मैंने सारे क्वेश्चन और आंसर्स को आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। सारे क्वेश्चन आप लोगों को याद कर ले, मे बी कि आप लोग के एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं कल मॉर्निंग में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।